आपको क्या दिख रहा है जी 2019 में? कांग्रेस को जीतेगा। राहुल गांधी की कांग्रेस या गठबंधन? गठबंधन। हाँ, हमारा कर्जा तय करके कर्जा माफ नहीं किया, क्या सरकार कारोबार ठप हो गए? एक बार नहीं, जब मतलब हो सकता 15-20 साल के लिए चाहिए। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं आपका दोस्त नवीन चौहान। 2019 चुनाव बेहद नजदीक हैं। सब नेताओं की धड़कनें पड़ी हुई है, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी, और दूसरी तरफ जो विपक्ष है, जो एकजुट है, धड़कनें तो उनकी भी बड़ी है। लेकिन इन बड़ी धड़कनों के बीच जनता की धड़कनें भी बढ़ रही हैं, या जनता सिर्फ सोच रही है, समझ रही है? क्योंकि जनता के पास तो वक्त है महज 1 साल का। ऐसे में किसकी किस्मत तय करेगी ये जनता? इस बार पहुंचे हैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में, और यहां पर हमने बेहद ही सटीक राय ली है। ये राय देखकर आप अंदाजा जरूर लगा सकते हैं कि 2019 में आखिर क्या होगा। तो देखिए, हमारे इस विशेष पेशकश में, चुनाव आने वाला है 2019 में, मोदी ने इसमें बड़े बड़े फैसले किए, नोटबंदी भी किए, GST भी लिया है, आप किस तरह से देख रहे हैं इस बार 2019 में क्या दिख रहा है? भाई, जनता का नाम मर रही है, क्या वादा इससे? कुछ भी वादे करके भूल चुका है, करा क्या वादा करा है? विकलांग आदमी, गरीब आदमी मर रहा है, क्या सेवा करिए? कुछ भी नहीं करा, वादे बड़े बड़े करे थे, कुछ भी वादा नहीं हुआ, कोई वादा पूरा नहीं हुआ है। 2019 में क्या देख रहे हैं? देखो, 2019 में किसका वो रंग आता है? क्या कही? आप किसका लाएंगे तो बता दो। उत्तराखंड की जनता, देहरादून की जनता क्या सोच रही है? देहरादून का मुसलमान क्या सोच रहा है? अभी कोई कंफर्म नहीं है, ये कोई कंफर्म नहीं है, ये मन नहीं बनाया। हाँ, अभी मन नहीं बनाया जी। अच्छा, तो मोदी ने जो काम वादे किए थे वो पूरे नहीं करे? वह भी कहाँ पूरे करे थे बताओ? किसी का नाम कोई करप्शन नहीं हुआ, किसी राशन कार्ड पे नाम नहीं, किसी कुछ भी नहीं हुआ, हुआ कहाँ? सारे विकलांग का नाम है, मजदूरी कर रहे हैं, कुछ वो नहीं है। तुम्हें भी ट्राईसाइकिल जो मिलनी थी नहीं मिली? नहीं मिली कुछ भी। पेंसिल थी, पेंसिल भी बंद है। तो मोदी या राहुल 2019 है? हाँ देखो, राहुल की वैसे तो उम्मीद है, का नाम है राहुल की तो। हाँ, राहुल क्या आ सकता है? हाँ, सब मिल गए हैं, पता तो हो गई। हाँ जी, वो तो है, का नाम देखो, राहुल तो है। चुनाव आने वाला है 2019 में, मोदी ने इसमें बड़े बड़े फैसले किए, नोटबंदी भी किए, GST भी लिया है, आप किस तरह से देख रहे हैं इस बार 2019 में क्या दिख रहा है? भाई, जनता का नाम मर रही है, क्या वादा इससे? कुछ भी वादे करके भूल चुका है, करा क्या वादा करा है? विकलांग आदमी, गरीब आदमी मर रहा है, क्या सेवा करिए? कुछ भी नहीं करा, वादे बड़े बड़े करे थे, कुछ भी वादा नहीं हुआ, कोई वादा पूरा नहीं हुआ है। 2019 में क्या देख रहे हैं? देखो, 2019 में किसका वो रंग आता है? क्या कही? आप किसका लाएंगे तो बता दो। उत्तराखंड की जनता, देहरादून की जनता क्या सोच रही है? देहरादून का मुसलमान क्या सोच रहा है? अभी कोई कंफर्म नहीं है, ये कोई कंफर्म नहीं है, ये मन नहीं बनाया। हाँ, अभी मन नहीं बनाया जी। अच्छा, तो मोदी ने जो काम वादे किए थे वो पूरे नहीं करे? वह भी कहाँ पूरे करे थे बताओ? किसी का नाम कोई करप्शन नहीं हुआ, किसी राशन कार्ड पे नाम नहीं, किसी कुछ भी नहीं हुआ, हुआ कहाँ? सारे विकलांग का नाम है, मजदूरी कर रहे हैं, कुछ वो नहीं है। तुम्हें भी ट्राईसाइकिल जो मिलनी थी नहीं मिली? नहीं मिली कुछ भी। पेंसिल थी, पेंसिल भी बंद है। तो मोदी या राहुल 2019 है? हाँ देखो, राहुल की वैसे तो उम्मीद है, का नाम है राहुल की तो। हाँ, राहुल क्या आ सकता है? हाँ, सब मिल गए हैं, पता तो हो गई। हाँ जी, वो तो है, का नाम देखो, राहुल तो है। 2019 में क्या मन बना? एक तरफ तो मोदी है, दूसरी तरफ राहुल गांधी है, यानी गठबंधन है, आपको क्या दिखाई दे रहा है? अब जो भी है, गठबंधन का भी अपना वो है, और उनका भी सुकून चैन आया इन 4 साल में कि नहीं आया? सुकून तो कोई मतलब, रोजगार में कुछ बढ़ोतरी हुई कि नहीं? रोजगार में कोई बढ़ोतरी नहीं, कोई बढ़ोतरी। क्या हुआ जी, आप बताइए थोड़ा सा इधर। रोजा खोल लिया कि नहीं खोला? हाँ, खोल लिया। खोल लिया तो क्या लगता है आपको, कुछ विकास हुआ कि? हाँ जी, विकास ना, कुछ खास ना हो रही है विकास। क्या विकास हो रहा है? कुछ ना हो रहा है। क्या दिख रहा है फिर 2019 में? जो कारोबार चल रहा वो भी ठप हो गए, वो भी ठप हो गए। 2019 में किसे चुन रहे? अब देखो कौन सी पार्टी, अब जिसे भी जो काम दिखाएंगे हम तो उसे ही चुनेंगे। आपको क्या दिख रहा है जी 2019 में? कांग्रेस को जीतेगा। राहुल गांधी की कांग्रेस या गठबंधन? गठबंधन। और मोदी जो बात कर रहे हैं कि विकास बहुत कर दिया उनको, वो तो बेकार है सर, तो विकास नहीं हुआ सर, बिल्कुल भी नहीं, सच में विकास नहीं हुआ। युवा और रोजगार की कुछ बात हुई? नहीं हुई, नहीं हुआ, नहीं, सब बेकार, नहीं हुआ, नहीं हुआ। बाबा आप बताओ, कुछ विकास हुआ कि नहीं? आवाज दिमाग क्यों इतना गुस्सा हो, नाराज क्यों हो, इतना तो बता दो। हमें नहीं पता ना, 4-5 साल में मोदी जी जो विकास की बात कर रहे थे, कुछ हुआ कि नहीं हुआ विकास? आपका धंधा कैसा चल रहा है GST के बाद? जीरो
जीरो है नोटबंदी के बाद जी, जीरो जीरो है। अच्छा ये बताओ 2019 में क्या दिखाई दे रहा है मोदी या राहुल? कुछ नहीं कह सकते, मैं कुछ तो सोच लिया होगा है? हम कुछ नहीं कह सकते, कुछ तो बताया होगा। अच्छा ऐसा कौन सा विकास है जो रह गया जो नहीं किया उन्होंने जो करना चाहिए था? करा क्या उन्होंने, नहीं करा क्या है तो बताओ है भाई, आप बताइए ना क्या करा उन्होंने, आप तो समझदार हैं हम तो अनपढ़ हैं। अच्छा तो 2019 में किसे चुन रहे हो, मोदी को या राहुल को? ये तो टाइम बताया, ये क्या आप तो किस रुख आते पब्लिक है क्या करती है क्या नहीं करती। 19 कुछ ही दिन रह गए, जनता बहुत वो है सोच रही समझ रही है 2014 से लेकर और अब तक विकास हुआ कि नहीं हुआ? हुआ हुआ। कुछ कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ, जो असली में जो गरीब जनता है जिसके धंधे ठप हो गए उनका कुछ हुआ कि नहीं हुआ? अरे भाई साहब सोच है अपनी अपनी, आप क्या सोच रहे हैं हम थोड़ी बदल सकते हैं, हमें तो जो दिखाई पड़ रहा बिल्कुल सही हो रहा जो हो रहा है। हाँ मोदी को ही आना चाहिए 2019 में। लेकिन अब ये सब इकट्ठा हो गए आपको क्या दिखाई दे रहा है, इकट्ठा होने से कहीं मोदी का खेल खराब हो गया? कुछ नहीं खराब होगा, कुछ नहीं खराब होगा। 2019 में मोदी या राहुल? क्लियर मोदी। हाँ जी आप बताओ कुछ विकास हुआ कि नहीं हुआ आपके हिसाब से? भाजपा सरकार ठीक है। क्या नाम है आपका? नेत्रपाल। नेत्रपाल भाजपा की सरकार ठीक है जी? हाँ विकास हुआ है? हाँ सही है बिल्कुल सही कर रही विकास। राहुल गांधी कह रहे हैं कि नहीं हुआ कुछ, भाई ये तो नेता है एक दूसरे काट करते हैं, मगर जो हिसाब चल रहा है मोदी साहब का उनका बिल्कुल सही चल रहा है साहब। हाँ 2019 में एक मौका हुआ। हाँ आओगी 2019 में भाजपा की सरकार आएगी एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी? जी हाँ एक बार नहीं जब मतलब हो सकता है 15-20 साल के लिए चाहिए। अच्छा लगे ही रहें? हाँ लगे ही रहेंगे 15-20 साल के लिए। तो जी 15-20 साल के लिए मौका दे रहे हो ना? हाँ हमारा कर्जा तय करके कर्जा माफ नहीं किया, क्या सरकार कारोबार ठप हो गए? कौन सा कर्जा माफ नहीं हुआ? हमारा किसान है, किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ। अच्छा। बिल्कुल नहीं हुआ माफ? नहीं माफ हुआ तो इसलिए नाराज हो है? नाराज ये नहीं, कारोबार तो ठप हो गया हमारा। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको एक खबर अच्छी लगी तो इस खबर को लाइक कीजिए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अभी क्लिक कीजिए चैनल के लोगो पे और सब्सक्राइब कीजिए हेडलाइंस इंडिया।